औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए बंगाल के नगर निकाय चुनाव से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। बंगाल के नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को आज बेहतरीन जीत हासिल हुई है, जिसके बाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लोगों ने बंगाल की सरजमीन पर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को पछाड़ते हुए बंगाल के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराकर 3 सीटों पर धमाकेदार कामयाबी हासिल करते हुए उन्होंने बंगाल में एक नया इतिहास रच दिया है। जी हाँ, बंगाल में जिस तरह से आज सुबह से ही लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नगर निकाय चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी कितने सीटों पर वहां पर अपनी जीत को हासिल करेगी, तो आज उन्हीं का इंतजार था और आज वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को अभी के मुताबिक जिस तरह से वहाँ से रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने 3 सीटों पर वहाँ पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपना वहाँ पर दबदबा कायम किया है और जिसके बाद से वहाँ के लोगों में एक नया जोश और जुनून देखने को मिला। जी हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने बंगाल के नगर निकाय चुनाव में अपनी 3 सीटों पर धमाकेदार जीत को दर्ज कर लिया है, जिसके बाद से बंगाल की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के रुका और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिम्मेदारान जश्न में डूबे हुए नजर आए। तो आप ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहें और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।